अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ी गंद मैं जी अकबर और सुबानी। अज इसकी तीसरी आबपाशी हो रही ते इन्हें लगा रहे हैं जी। अज 13-2-43 2-2 किलो सल्फर ते नाल 10-10 किलो नाइट्रोफास। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। गंदम भी माशाल्लाह बहुत प्यारी खड़ी है। इसका जरा फ्लैग पीस है तो देखो बहुत मजबूत है। पहले इनू स्प्रे करवाई थी फंगीसाइड, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। रिसर्च नज़र नहीं आ रही, बहुत सरसबल खेत है। किलो इस वजह तो ऐड किया कि हल्का रकबा है और नमी ज़्यादा देर रखता, इस वजह तो सल्फर जोड़ा ना इस्तेमाल किया और बाकी जी खुराक है ना उनकी भी अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, एक पहले इन पोटाश की स्प्रे भी हो चुकी है और नाल हूँ जी है ना वो 5-5 किलो फी एकड़ जी है ना वो फ्लड हो रही इस स्टेज पर। बहुत ही प्यारी मैं नज़र आ रही, बिल्कुल इको जहा खेत है। हाँ जी भाई जैद की कहते हो इस बारे? सही है जी। अच्छा जबरदस्त है। हाँ जी। चलो माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत पावे जी। अच्छा जेडी अकबर है ना, अकबर की शाइनिंग ज़्यादा सुबानी असी इस दफ़ा पहली दफ़ा काश किया और सुबानी के बारे ये कहते खाने बहुत अच्छा है, इनकी रोटी बहुत नरम मुलायम बनती। ठीक है, इस वजह तो इनका ट्रायल किया और अकबर के हवाले ना कहते कहती जी ना प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती, 60+ आएगी। बाकी इंशाल्लाह सब कुछ नज़र आ जाएगा। हूँ तकरीबन 50% जी निशारा कर चुकी है। दोस्तों ने बाकी रिजल्ट भी शेयर किया जाएगा। तीसरा पानी है तो कोशिश है कि एक पानी मार्च 15 तो पहले पहले और लग जाए। जिस तरह हीट वेव आई सी पहले इस कंडीशन दे विच जमीन के अंदर बत्तर बरकरार रखना पैंदा, अदरवाइज जिहड़ा ना दाना वो बहुत मुतासर हुंदा। लेकिन कदरे मौसम बेहतर है, आज तक कोहरे की भी शिकायत सी। हाँ जी नाइट्रोफास और 13-2-43 स्वात एग्रो प्लस 2 किलो सल्फर। हाँ जी वीडियो देखना और बाकी दोस्तों ने भी शेयर करना। गंदम माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अल्लाह हाफिज़।